आज कई वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी खुश तो बहुत होगी। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस जीत का श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में ये परंपरा है, अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो जीत की तो बात ही नहीं है, हार का जो ठिकरा होता है वो उस राज्य के नेताओं पर फूटता है कि इनकी वजह से हारे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस कहीं जीतती है तो फिर जीत का श्रेय हमेशा राहुल गांधी को ही दिया जाता है, और आज तो अच्छी खासी जीत हुई है, एक नहीं तीन राज्यों में जीत हुई है, तो जाहिर है इसका श्रेय किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाएगा, वो है राहुल गांधी, और कांग्रेसियों ने ठीक वही किया। और आज शाम को राहुल गांधी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में आज मीडिया के सामने आए। प्रजातंत्र की विजय पर एक खुशी का दिन है, हर्ष की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, किसानों की है, युवाओं की है, छोटे दुकानदारों की है। ये जो आवाज उठी है, अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है कि इस आवाज को हम अच्छी तरह सुने और इन स्टेट्स में जो विजन दिया जाना चाहिए वो हम दे पाएं, तो इस पे हम अब काम शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हमने हराया है, और जो वहां के चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जनता के लिए काम किया। जरूर हमारी लड़ाई उनके साथ रही, विपक्ष की लड़ाई हुई, हमने उनको हराया, मगर मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए किया, काम किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, और अब बदलाव का समय है, तो अब हम उस काम को अब आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। आज के नतीजों के बाद बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आज ईवीएम जीत गई क्या? इसकी वजह यह है कि इससे पहले हाल के वर्षों में जब भी चुनाव में बीजेपी जीतती थी, कांग्रेस ने हमेशा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जो ईवीएम है ये रिग्ड है। लेकिन आज कांग्रेस ने दो राज्य बीजेपी से छीन लिए और एक राज्य में कांटे का मुकाबला चल रहा है, हो सकता है ये भी छीन ले। इन राज्यों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाए, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस गठबंधन के बुरी तरह हार जाने के बाद कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने ईवीएम पर जरूर सवाल उठाए हैं। यही बात जब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछी गई तो उनका जवाब सुनकर लगा कि उन्हें अब भी ईवीएम पर संपूर्ण विश्वास नहीं है, इसलिए वो इस मुद्दे को खुला रखना चाहते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी ईवीएम पर विश्वास करना चाहते हैं, कभी ईवीएम पर विश्वास नहीं करना चाहते। इस बात पर निर्भर करेगा कि वो जीत रहे हैं तो ईवीएम सही है, अगर नहीं जीत रहे हैं तो ईवीएम खराब है, ऐसा ही उनका जवाब है। देखिए, जरूर कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीती है। जो ईवीएम का सवाल उठ रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं उठ रहा है, वो एक जेनेरिक सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में यूनिवर्सली प्रॉब्लम्स हैं, और अगर देश की जनता ईवीएम में को देखकर अनकंफर्टेबल है तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है और उस सवाल को एड्रेस करना होगा। जरूर हम ये चुनाव जीते हैं, बट जो ईवीएम की सेंट्रल इशू है वो अभी भी है। सेंट्रल इशू इज दैट आपके पास पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर चिप है, और अगर उस चिप को मैनिपुलेट किया जाए तो आप पूरे के पूरे चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हो या इफेक्ट कर सकते हो, जो आप मैनुअल वोटिंग में नहीं कर सकते हो। एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज बीन answered in the United States and in other countries where they have said that we don't want an EVM. So this, ये जो सवाल है, ये actually table से नहीं उतरा है। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है ये ओपन रहे, खुला रहे, और इसका आगे चलकर भी फायदा उठाया जा सके। तो जब जब भी कांग्रेस पार्टी की हार होगी, EVM का मुद्दा ऐसे ही उठता रहेगा।